राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने रात दिन तकलीफ जमानत सदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित कर यहां पर क्वारंटाइन कर रहे हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी जनता की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। जहां पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने बताया कि यहां पर लुकमान पिता जहूर निवासी, कोटरी कला रियाज निवासी मोइली कला को अपनी मोटरसाइकिल पर पंचोर से बैठाकर अपने गांव तक लाया, इसलिए हमने यहां पर लुकमान को भी संदिग्ध मानकर शासकीय अस्पताल में क्वारंटाइन किया। ये पता पड़ा था कि जो तबलीगी जमात में ये व्यक्ति भी शामिल था और उसका नाम था, उसका नाम है रियासत खान और रहने वाला मोइली कला का। उसकी सैंपलिंग राजगढ़ से भेज दी गई है एवं उसी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पे अभी हम लोग कोटरी कला से एक व्यक्ति को आइसोलेट करने के लिए लेके आए हैं और इसका नाम है लुकमान। बताया जाता है कि इसने पचोर से लेकर मोइली कला तक रियासत को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के छोड़ा था। नरसिंहगढ़ तहसील में अभी तक कितने लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है? पूरी तहसील में लगभग 1800 से ज़्यादा व्यक्तियों को क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई। क्या कोई पॉजिटिव इसमें पाया गया अभी तक? नहीं, अभी तक अपने यहाँ से दो सैंपल मिले हैं और दोनों की रिपोर्ट पेंडिंग है। अभी पेंडिंग, कब तक रिपोर्ट आने का है सर? आज या कल में रिपोर्ट आना संभावित। ठीक, ऐसा ही हो। अपने यहाँ से जितने भी धर्मगुरु हैं हम उनसे मिल रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जो भी नर्स स्टाफ आ रहा है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता या राजस्व का कोई व्यक्ति जानकारी लेने के लिए आ रहा है तो उसका अपन को 100% सहयोग करना है, क्योंकि ये जंग तभी जीत सकते हैं जब सभी लोग साथ में आएंगे। तो इसी की कड़ी में आज मौलाना साहब से मिले थे कि कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं यहां से, उन सब की जानकारी ली और उनको बताया कि कैसे सहयोग प्रदान करना है आगे। तो इसमें सभी ने सहमति जताई और नमाज में भी बताया इन्होंने कि 5